हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। और यार नेटफ्लिक्स एक बार फिर अपनी गधा गाड़ी में हैशटैग अनोइंग अपर्णा के साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते जाना ये वाला, क्योंकि बीमार को बता देना चाहिए कि वो बीमार है। इन्हीं मोहतरमा के साथ 4-6 और पढ़े लिखे जाहिल वोक एनआरआईज को लेके आया है इंडियन मैच मेकिंग सीजन 2 में, जो कहने को तो बहुत पढ़े लिखे हैं और प्रोग्रेसिव हैं और वोक भी हैं, बट एट द रूट ऑफ इट ऑल वो बेसिकली हैं मिसोजिनिस्ट, सूडो फेमिनिस्ट एंड एक्सट्रीमली जजमेंटल। और आज हम इन्हीं का केस लेंगे ऑनेस्टली सेइंग। जस्ट इन केस आप भूल गए हैं या फिर आपको पता नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि इंडियन मैच मेकिंग एक ऐसा शो है जिसमें अधेड़ उम्र के नर और मादाएं, जिनकी सारी उम्र रिलेशनशिप के प्री बोर्ड्स में कंपार्टमेंट रही है, अब शादी के एंट्रेंस एग्जाम में 100 में से 3.5 नंबर है, और उनको हाउ टू जज पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल यानी सीमा आंटी फर्रे चलवाकर मैरिड लाइफ में पास करवाना चाहती है। क्या करूं अंजू बताओ, कोई लड़की नासिक जाने के लिए तैयार नहीं है, तो जरा देखो ना तुम इसके लिए। तो चलती बस में खिड़की से मुंडी निकाल के मुंह फाड़ के उल्टी कर देने वाले बेहया पैसेंजर्स के जैसे इस शो में आपको देखने को मिलेंगी बड़ी ही स्वीटली टॉक्सिक सूडो इंडिपेंडेंट सूडो फेमिनिस्ट भेंजियां, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जवानी तो निकाल दी ये बोलते हुए कि यस क्वीन, गो गर्ल, लेडी बॉस, आई डोंट नीड नो मैन। और अब जब सबकी आसपास शादी हो गई, सब सेटल डाउन हो गए हैं, इन लोगों के रोने बंद नहीं हो रहे। मैंने रोना शुरू कर दिया बिल्कुल बच्चों की तरह, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी शादी अब तक क्यों नहीं हुई। All of my friends are moving on and like I just feel like I'm not doing anything. अरे पर तूने ही तो लिखा था ट्विटर पे कि आई एम बॉस बेब, आई डोंट नीड नो मैन, यार अब क्यों रो रही हो। और इन्हीं सुपरफिशियल और टॉक्सिक भेंजियों को शो में कॉम्प्लीमेंट करते हैं एस या नारियल के छिलके जैसे हैंडसम लड़के, जिनको देख के पूर्णमासी की रात अमावस की हो जाए, लेकिन इनको लड़की चाहिए एंजेलिना जोंगली जैसी एथलेटिक सुंदर। मैं सच कहूं तो मुझे अच्छी दिखने वाली लड़कियां ज्यादा पसंद आती हैं, उस लड़की का अट्रैक्टिव होना भी जरूरी है। अबे कोई इसके कबीले वालों को इत्तला करो, जंगल से भाग गया, लेके जाओ इसको वापस। और इन लंपट प्रिविलेज एनआरआई रहे लड़के लड़कियों से परेशान है बेचारे इनके बूढ़े घर वाले, जो कैमरे के आगे तो इंग्लिश में स्माइल करके बोल दे रहे वी आर हैप्पी टू व्हाटएवर हैपेंस विद देम हैपेंस, बट कैमरा बंद होता ही ए, सीमा इधर $500 ज्यादा ले लियो और इसकी अगले मंगलवार तक ब्याह करवा यार, भेज इसको, उम्मीद है उसको अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। इस शो में इतना कुछ गलत है इतने सारे लेवल्स पे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस शो की सबसे गलत मोहतरमा से शुरुआत करी जाए। एटीट्यूड इनका इतना फेक और जहरीला कि गुलिस्तान मुरझा जाए। क्या हर वक्त हमें अपने हस्बैंड के साथ रहना होता है? हर लड़की को ऐसा करना जरूरी है क्या? मुझसे तो नहीं हो पाएगा। अल्फाज इनके इतने पैने नोकीले कि मुर्दे अपनी कब्र में पलटी खा जाए। मस्ती मजाक करने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कोई अच्छा लड़का ढूंढिए। अब इन मैडम के डबल स्टैंडर्ड देखो, इनको लड़का चाहिए 5 feet 8 inches और इसके बाल ना झड़ रहे हो। क्या उसकी हाइट 5'8" है, कहीं वो गंजा तो नहीं है? अब खुद ये 5 feet नथिंग शक्ल है इसकी, ओवरनाइट पानी में भिगाए हुए फूले छुआरे जैसी, पर हर लौंडे को इसने जज करना कि वो कैसे दिखते हैं। सीधे साधे लड़कों के साथ डेट पे जाती है उनको ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी डिसइंटरेस्टेड हूँ इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, उनके मुंह पे उबासियां मारती है। तुम यौन कर रही हो? सच में जब डांगर ज्यादा चारा खा लेते ना तो आलस के मारे वो उबासिया मारते हैं, उसको देख के मुझे यही लगा। फिर कहती है कि बेसिकली लिविंग इन इंडिया इज नेविगेटिंग हर कार्स अराउंड काउस। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि गाय भैंसों के बीच में मुझे कभी गाड़ी चलानी पड़ेगी, ये बहुत मुश्किल है। अब भाई अपर्णा, इस हिसाब से तो जो लड़का तुम्हारे साथ से गाड़ी निकाल के ले जाता है उसको भी यही लगता होगा। सच में कहती हैं अब मैं लड़कों को 55 मिनट नहीं पूरा 1.5 घंटा देती हूँ अपने आप को फर्स्ट डेट पे इम्प्रेस करने के लिए। मुझे अभी भी 55 मिनट वाली डेट पसंद है, लेकिन न्यूयॉर्क में मैं उन्हें 1.5 घंटा देती हूँ। बाय गॉड अपर्णा बहन जी, अगर लोंडो को चॉइस मिले ना कि 1.5 घंटा छाती के बल नंगे होके बर्फ की सिल्ली पे लेटना है या फिर 1.5 घंटा रेडियो एक्टिव बातें सुननी है अपर्णा के मुंह से, तो सोच लो हर लोंडा भाई नंगा होकर बर्फ की सिल्ली पे लेटा मिलेगा। चलती फिरती चेरनोबिल यानी अपर्णा का ये एटीट्यूड देख के मेरे को लगा कि भैया 2 सीजन हो गए हैं, नाउ व्हाट इज द टाइम, इट इज लेटर राइटिंग टाइम। डियर, बोलने से पहले मैं तुम्हें अपर्णा 3 बोतल लाइजॉल ना पी जाऊं, बाय गॉड सरकार को नसबंदी की दवाइयां बंद करके तुम्हें नसबंदी केंद्र में बिठा देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पेस्टिसाइड जैसी बातें सुनकर लौंडो की अपने आप ही नसबंदी हो जाएगी। इतनी एसिडिक जुबान है तुम्हारी कि शर्त लगा लो मुझसे लिटमस पेपर भी लाल हो जाए तुम्हारी जुबान को टच करते ही।
और यार अपने आप को ये इंग्लिश में झूठ बोलना बंद करो कि तुम बहुत डिजायरेबल हो, क्योंकि अब ये झूठ तुम्हें सच लगने लगा है। हमारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम्हारे को योर सिंसियरली बोलेंगे तलहट इंडियन ऑडियंसेस। Now, just when you will start thinking that nobody can get as nasty and as repellent as Aparna, Viral Mohtarma ka introduction ho jata hai show ke andar, aur aate hi, chhootte hi ye Vishkanya bol deti hai ki bhaiya mere jo single dost hai na, wo zyada successful hai, married se married to chuti hai. मेरे फ्रेंड्स जिनकी शादी या एंगेजमेंट हो गई है वो उतने सक्सेसफुल नहीं है जितने मेरे सिंगल फ्रेंड्स हैं। तो फिर तू शादी क्यों कर रही है इन द फर्स्ट प्लेस? ये दिमाग से रिक्शे पे है क्या? द मोस्ट अनोइंग थिंग अबाउट दिस वुमन इज द फैक्ट कि ये अपनी अचीवमेंट्स में इतनी ज्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, इसका ईगो इतना ज्यादा इन्फ्लेटेड है अपनी अचीवमेंट्स को लेकर कि इसने एक मेक बिलीव वर्ल्ड बना लिया है अपने आसपास जिसमें ये रहती है, और इसको ये लगता है कि मेरी अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि हर लड़का इसको देख के ना मेरे से दूर हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हूँ, सक्सेसफुल हूँ और मेरे पास बहुत से अवार्ड हैं। मेरे पास एक शानदार कार है और उसे देखते ही लड़के दीवाने हो जाते हैं। वैसे तो तुम अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बनाती हो, पर तुम्हारे को ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अचीवमेंट रिपेलेंट नहीं है, तुम्हारा ये गंदा नैस्टी स्टिंकिंग एटीट्यूड रिपेलेंट है जो लड़कों को दूर भगा देता है। ये मोहतरमा तो इन्हें ना शादी नहीं चाहिए, इन्हें पार्टनरशिप चाहिए। मुझे पार्टनरशिप चाहिए, मुझे कोई मतलब मुझे कोई अदर हाफ नहीं चाहिए, मैं एक कम्प्लीट पर्सन हूँ। कहती है मैं ज्यादा पिकी नहीं हूँ, और फिर फटाक से अपनी एक चेकलिस्ट निकाल देती है, 13 पॉइंट की सीमा को देती है और कहती है मुझे ये चाहिए सब लौंडे में। मुझे नहीं लगता मेरी चेकलिस्ट इतनी लंबी है, मतलब मैं ही अकेली ऐसी नहीं हूँ जो कि ये सब कुछ चाहती है। मैंने कहा भैया तेरे को शादी करनी है, तू अग्गरवाल एंड अग्गरवाल स्वीट में मिठाइयां लेने गई है? एक लड़के को तो इसने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आई डोंट वांट टू बी फीलिंग लाइक आई एम हगिंग माय सन बिकॉज़ उसकी हाइट छोटी। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसकी अच्छी हाइट हो, वो काफी लंबा हो, मुझे ऐसा ना लगे जैसे मैं एक बच्चे को हग कर रही हूँ। खुद की शक्ल इसकी कच्चे बब्बू गोशे जैसी है, बट इसने 2-3 लड़कों को तो बेचारों को हाइट शेमिंग और बॉडी शेमिंग में ही रफा दफा कर दिया। लड़का सिंपल सा सवाल पूछता है, क्या तुम मीट खाती हो? एंड बाय गॉड इस औरत का जो आंसर था, मतलब इतनी ओवर स्मार्ट डफर है ये कि उससे पूछती है व्हाट डू यू डिफाइन एज मीट। तो तुमने कभी मीट खाया है? तुम्हारे हिसाब से मीट क्या है? ओह माय गॉड। ये मोहतरमा एक स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट के अगेंस्ट एक पति ढूंढने की कोशिश कर रही है, मतलब अगर उसमें से एक भी चीज नहीं होगी तो ये उस बंदे को रिजेक्ट कर देगी। तो बेसिकली इसको एक ऑर्गेनिकली मोटिवेटेड हस्बैंड नहीं चाहिए, इसको चाहिए इसके ऑर्डर पे हाँ करने वाला एक टट्टू। नाडिया फ्रॉम सीजन 1 हैज बीन ट्राइंग टू प्ले सो स्मार्ट, उसको ये लगता है कि मैं लोगों को ये दिखाऊंगी मैं कितनी भोली भाली हूं, मेरे को कोई लड़का नहीं मिल रहा है, हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है एंड स्टफ लाइक दैट। बट ऑन द डाउन लो इन रियलिटी ये लड़की बेसिकली लीड ऑन करती है एक बहुत ही स्वीट और बहुत ही जेनरस लड़के को जिसका नाम होता है शेखर। इसने ऐसा एक्ट करने की कोशिश करी कि इसने शेखर को इसलिए डंप कर दिया क्योंकि शेखर की तरफ से ना कोई स्पार्क नहीं था। मैं तुम्हें काफी चाहती थी पर फिर मैंने भी तुम्हें चाहा था पर विशाल को किस करते हुए देखना मुश्किल था। बट घंटा नाडिया ने सिंपली शेखर को इसलिए रिजेक्ट किया, कम्प्लीटली सुपरफिशियली मोटिवेटेड है वो औरत, और उसने ये देखा कि भैया शेखर के बाल इतने ज्यादा नहीं है, थोड़ा चबी है, उसकी उसके जितना लंबा नहीं है, एंड विशाल ऑन द अदर हैंड वॉज मोर हैंडसम देन शेखर। मुझे अच्छा लगा, क्यूट है वो। एंड देन कम्स द मोस्ट सैटिस्फाइंग पार्ट ऑफ द शो विच इज नाडिया गेटिंग अ लात ऑन हर बिहाइंड बाय विशाल। विशाल को तो औरतें पसंद है, औरतें, वो 26 साल का है, उसको एक बड़ी लड़की मिल रही है, वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, ही इज इन इट फॉर चोदम पट्टी एंड चुम्मा चाटी, वो उसको मिल गया और उसने आके बोला नाडिया यार तू चलना, मैं तेरे से शादी वादी तो नहीं करने वाला। जिस चीज की तलाश में हूँ उसे मैं अपने शब्दों में कहूंगा स्पार्क, और मैं बहुत समय से इसका इंतजार कर रहा था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर आता है ये बल्लभगढ़ का हातिम ताई, इस भाई की ना फोटो खींच के कसम से घर के बाहर लटका दो किसी की नजर ना लगे, लेकिन इसको लड़की चाहिए विद ट्रिपल एम्फेसिस, सुंदर, ब्यूटीफुल, एथलेटिक। उस लड़की का अट्रैक्टिव होना भी जरूरी है। इनको लगता है ये है बड़े ही एथलेटिक लुकिंग, विच कॉल्स फॉर हिम लुकिंग फॉर एन एथलेटिक वाइफ। खुद को थोड़ा बहुत एथलेटिक समझता हूँ। अरे तुम्हें क्या पता ये असली एथलेटिक्स यही होता है, यहाँ छोले भटूरे खाने की रिले रेस चल रही है। एंड ही गोज ऑन टू से फॉर द 10th डैम टाइम की लड़की सुंदर होनी जरूरी चाहिए। मैं सच कहूँ तो मुझे अच्छी दिखने वाली लड़कियाँ ज्यादा पसंद आती हैं। मतलब मैंने इसकी सुपरफिशियल डिमांड सुन के बोला भाई ब्रो पाताल लोक में जो पापी आत्माओं को कढ़ाई में डाल के तलता है ना राक्षस डिमरी,
वैसा दिखता है तू और तेरे को चाहिए स्कारलेट जोहानसन। द फनीएस्ट थिंग इज कि पूरे का पूरे सीजन में सीमा किसी की जोड़ी मिलवा ही नहीं पाई, पर बेचारी उन आंटी की भी क्या गलती है, इनको पता है ये साले लंपट नालायक है, इन सालों की लिस्टें ही इतनी लंबी है, किसी की शादी होगी ही नहीं। शक्ल बताती है सीमा की पूरे के पूरे शो के अंदर कि भैया वो अपना चेक लेने आई है, यार तुम करके ना शूटिंग करके मुझे घर भेजो, इनकी शादी वादी अपने आप देख लेंगे। और शो में काफी अच्छे लोग भी थे, अर्शनील पाजी, व्हाट अ गाय मैन, व्हाट अ जेम ऑफ अ गाय, और उनको जो लड़की मिलती है रिंकू रिंकल जो भी उसका नाम होता है, बोथ ऑफ देम वर वेरी वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ ईच अदर। व्हाट लिटरली बैफल्स मी एंड बॉइल्स माय ब्लड इज द फैक्ट कि जितने भी लोग, एटलीस्ट 95% जो इस सीजन में दिखाए गए हैं लोग, वो बहुत ही प्रिविलेज्ड एनआरआईज हैं। दे कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज, अर्न वेरी वेल, आर वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेल सेटल्ड इन देयर जॉब्स, बट डीप डाउन इनसाइड इनमें इतना ज्यादा प्रेजिडस भरा हुआ है और इस शो में वही देखने को मिलता है। बेसिकली इतनी गलत आइडियोलॉजी को री इन्फोर्स करा जाता है वेरी सबलिमिनली इन शोज के द्वारा कि भैया अगर तुम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, यू हैव डन रियली वेल फॉर योरसेल्फ, तुम्हारे को शादी ब्याह में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना, ये एक डील की तरह है, चेकलिस्ट मैच होगी तो तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो बेकार है ये शादी। वेन इन फैक्ट द रियलिटी इज कंप्लीटली ऑपोजिट, तुम्हारे को शादी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई, हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एंड दैट डज नॉट मीन कि तुम किसी को स्लेव हो, दैट डज नॉट मीन कि ये एक रिग्रेसिव शादी है। और यार ऑनेस्टली बताऊं तो मैं खुद एनआरआई हूं, मुझे पता है मेरे बच्चे यहां पे पलेंगे बढ़ेंगे, पर अगर वो ऐसे लंपट और नालायक पैदा हुए मैं तो खूब जूत बजाने वाला हूं उनमें। तो आज की महासभा यही समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे अगले हफ्ते कॉफी विद करण या फिर उर्फी जावेद, दोनों में से एक सिलेक्ट कर लो, कॉमेंट में डालते जाना किसका रोस्ट या रिव्यू तुम्हें देखना है अगले हफ्ते। तब तक के लिए हम मिलते हैं, बाय बाय मामा मिया लजानिया पप्पी, और पेंट से हाथ निकाल लो अंडी बंडी शंडी। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली जजमेंटल।